मोस्ट वेलकम है, कुछ नया सीखने के लिए आना है तो एशिया टेलीकॉम नंबर वन है, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है, बेशक यहाँ पे आ सकते हैं आप। आने का जो बिल्कुल उनका जो तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं आज से पहले कभी आईसी लेवल पे काम नहीं किया, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं तुरंत मैं आईसी लेवल पे काम करूँ। जो कोई भी अगर आपको रियलिटी देखनी है तो मेरे हिसाब से तो आपको एशिया टेलीकॉम आके ही देखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। और दो बार लगाए हैं सर। अच्छा, दो बार लगाए जी सर। कोई मजाक तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे रियलिटी है ना ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल लोग फेक समझेंगे भाई। जैसा देख के आया था सर, एकदम वैसे ही मिला सर। नहीं सर, मजाक कुछ भी नहीं है सर, सब रियल है, हमने सोचा भी नहीं था जो काम कर पाए। अच्छा, ये खाली आपने बापी आपने क्या है कि पूरी क्लास ने किया है, ये बताओ। पूरी क्लास ने किया सर। पूरी क्लास ने किया है, क्लास ने है ना। यस सर, किसी ने एक अटेम्प्ट में किया तो किसी ने दो अटेम्प्ट में किया, बाकी हुआ तो सबसे है ना। हुआ है सर, ऐसा कुछ नहीं सर। हाँ, प्रयागराज में बहुत बड़ी मार्केट है, लोग हमें जानते भी हैं, आना जाना रहता है। ऐसा होता है तो लोगों को गुस्सा चल झूठ का गलत सही का सब पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 4 दिन में आपने सीटू निकाल के लगा दिया है, पहले दिन आपने एशिया टेलीकॉम के जो टीचर है सर, बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक हैं, आपको एक अच्छा मार्ग बताते हैं जिससे आप सफलता प्राप्त करते हैं तुरंत। और अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे आपके क्षेत्र से तो यहाँ सर बिल्कुल आ सकता है, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं टेलीकॉम के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। जो सर हमारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो भी आना चाहता है वो भी हिचक आ सकता है। हमारे साथ 28 अगस्त के एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? गुलरेज खान। गुलरेज खान, गुलरेज कहाँ से आप? सर राजस्थान से। राजस्थान से। गुलरेज क्या करते थे इसके पहले? मोबाइल का ही काम करते थे। मोबाइल का काम करते थे। बेसिकली ऐसे टेलीकॉम आपने ज्वाइन क्या देख के किया? स्टूडेंट के रिव्यू देख के किया या फिर सर का वीडियो देख के किया, सर का नॉलेज देख के किया? तो इसमें सभी चीज़ें हैं कि जब ये चीज़ देखा गया कि इतने कम टाइम के अंदर स्टूडेंट इतना ज़्यादा मतलब आईसी लेवल का काम कर लेते हैं, तो फिर ये चाहा हमने भी कि आके देखे, और देखने के बाद में वो चीज़ रियल ही हुई। नहीं तो जैसे अगर एक फ्रेशर बंदा होता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है तो वो किन किन चीज़ों को देखता है, क्या क्या चीज़ें देखता है? एक आपने क्या देखा? अरे एक आईसी निकालने लगाने का फंडा तो नहीं देखा ना आपने, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। नहीं, यहाँ पे जो जैसे कि जो टीचर्स है वो बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से सिखाते हैं, और उनका सिखाने का जो स्टेप, टीचर का जो अनुभव है, जो आपके सामने 4 या 5 या 6 जो भी 5 टीचर है या 6 टीचर है, तो क्या ये महीने 2 महीने के टीचर है क्या? नहीं, या महीने 2 महीने में देख रहे हो आपकी पढ़े हुए हैं कि मतलब कितने एक्सपीरियंस है कि नहीं इनके? वो तो जब आप यहाँ पे आएंगे तभी आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है, तो उससे आपको पता चल जाएगी। सारे एक्सपीरियंस होल्डर है। और दूसरी बात ये है जो पढ़ाने का जो बिल्कुल उनका जो तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं आज से पहले कभी आईसी लेवल पे काम नहीं किया, लेकिन यहाँ आने के बाद में तुरंत मैं आईसी लेवल पे काम करूँ। अनुभव देखा जाए मिलन सर का है ना, देव सर का, दुर्गेश सर का, तो किसी में कोई कमी लगती है आपको? नहीं, कमी अगर होती तो शायद हम यहाँ होते भी नहीं, क्योंकि जब हमने वीडियोज़ देखे तो वीडियोज़ ने हमको इतना अट्रैक्ट किया कि यहाँ के जब हमने प्रैक्टिकल देखा तो वो वीडियो से कहीं ज़्यादा बढ़ के था। ठीक है, आज आपकी काई की क्लास थी? आज हमारी थी सीपीयू रिबो ऑन फोन में से सीपीयू निकाल के रिबोलिंग करके उसको वापस। कौन सा हैंडसेट है आपके हाथ में? 4A में, एमआई का 4A है। एमआई का 4A यस है ना, इसमें सीपीयू कौन सा लगा था? 4G है, 4G सीपीयू लगा हुआ था इसमें, एमआई का 4A ऑब्वियसली है कि 4G सीपीयू लगा हुआ उसमें है ना, तो चालू करके बताएंगे आपको। जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर ये हैंडसेट इन्होंने चालू कर दिया है। कैसा फील हो रहा है आपको ये 4G पे काम करके? फील ऐसा हो रहा है कि अब जाके हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम से अब जो काम कर रहे थे वो रियल में कुछ काम था ही नहीं। तो ये फेक तो नहीं है, 4 दिन में आपने 4G नहीं, नहीं, लगाया? और अभी भी वर्क ही कर रहे हैं, वो आईसी पे ही काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कोई भी अगर आपको रियलिटी देखनी है तो मेरे हिसाब से तो आपको एशिया टेलीकॉम आके ही देखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। कौन सा मोबाइल था आपका ये? MI 6 है। तो MI 6 है जी। MI 6 है, कौन सी स्टेंसिल से इसको रिवॉल्व किया? सर यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल बताइए आपके पास, यूनिवर्सल दिखाइए अपना। इससे रिवॉल्व हो जाता है ये? जी सर। आपकी यूपी से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहे तो क्या बोलेंगे? आ सकता है सर। इसके पहले काम करते थे आप? नहीं सर, नहीं। इसके पहले क्या करते थे बताइए आप? सर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे जी सर। आप फ्रेशर थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करके
हमारे साथ 28 अगस्त के एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। बादल कुमार। बादल कुमार कहाँ से? बादल गुजरात से। गुजरात से, गुजरात से इतनी दूर से आए भाई, वो इंस्टीट्यूट तो गुजरात में नामचीन इंस्टीट्यूट है तुम्हारे। जी सर। है ना, तो फिर एशिया टेलीकॉम क्यों? सर सर मेरे को दूसरे इंस्टीट्यूट में कोई पल्ला नहीं पड़ा। अच्छा, समझ में नहीं आया। आप क्या कर रहे हैं? ट्राई कर चुके हो आप? सर ट्राई कर चुके हो। आप नाम मत बताइए उस इंस्टीट्यूट का, बाकी आप ट्राई कर चुके हो आप। जी सर। है ना, हम नहीं चाहते कि भाई उधर की बात इधर हो या किस टाइप का भी आओ, है ना। तो यहाँ पर आपको संतुष्टि मिली कि नहीं मिली? कौन सा दिन है आपका यहाँ? चौथा दिन है सर। चौथा दिन है, चौथे दिन में जो काम होना था वो सब आपने किया? जी सर। दिन आपने एमएमसी रिवोल किया, आपने किया एमएमसी रिवोल? यस सर। है ना, सेकंड डे क्या किया आपने? सीपीयू रिवोल किया। सीपीयू रिवोल किया, आपसे हुआ सीपीयू रिवोल? कंसिस्टेंसी से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से। थर्ड डे था आपका पावर निकाल के लगाना और चालू करना, लगा दिया। तो आपने निकाल के लगाया और चालू किया? हां सर। और आज आज हमारा काय का दिन था? सीपीयू रिवोल करके लगाना, सीपीयू रिवोल करके चालू हैंडसेट से लगाना। तो आपने लगाया? जी सर। जनता पूछना चाहती है, आप बताइए लगा आपने लगाया कि नहीं लगाया? जनता प्रूफ देखना चाहती है भाई, आपकी बात नहीं मानेगी जनता। ये देखिए आप, कौन सा सीपीयू था इसमें? 8905। कौन सी स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से आपने किया? जी सर। आपका काम डन हुआ? डन हुआ सर। जनता देख रही है? देख रही है। देख रही है। क्या बोलोगे, तुम्हारे घर से कोई पब्लिक आना चाहे तो आ सकता है? बिंदास सर आ सकता है, कोई भी पब्लिक आ सकती है यहाँ से? जी सर आ सकती। आपके सामने अभी जिसने एसएमडी अभी तक हाथ में नहीं ली थी, कितने स्टूडेंट बैठे थे यहाँ पे, उन्होंने किया हैंडसेट यहाँ पे? किया किया सर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट आ रहा है, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? सर दानिश। दानिश, थोड़ा तेज बोलिए, कहाँ से आप? यूपी बुलंदशहर। अच्छा, यूपी से हैं आप। तो बताइए, पहले दिन का टास्क जो था हमारा रिवॉल्विंग का टास्क था, रिवॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं सर? फिर हमारी कॉम्प्लेंट की क्लास हुई, उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल हुआ। सेकंड दिन क्या कराया गया आपसे? सर सीपीयू रिवॉल्विंग। सीपीयू आपको पावर पे काम कराया गया सेकंड दिन? पावर आईसी पे काम किए थे ना आपने? चालू किया था पावर आईसी? सर पावर आईसी चालू फोन से निकाली, हाँ दोबारा निकाल के लगाई रिवॉल्व करके चालू हो गया था। चलिए, उसके बाद फिर आज का टास्क क्या था हमारा? आज सर सीपीयू में निकाला 4G फोन का चीज। आज सीपीयू आपने निकाला था इस फोन का? आपने सीपीयू निकाला था? क्या आप सही बता रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? आपने इसका निकाला था कि नहीं निकाला था? ऐसा तो नहीं झूठ रिव्यू दे रहे हो आप इधर? देखो नहीं नहीं सर, सही बोल रहे हो। अच्छा आप ये बताओ, इसमें चालू कितने बार में सक्सेस हुए आप? सर एक बार में हो गया सक्सेस। वन टाइम में सक्सेस हो गया, सही बोल रहे हो। बताने की सर टेक्निक ही वो अलग है ना, थोड़ा तेज बोलिए। सर बताने की टेक्निक जो है ना आपकी, वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। तो चलिए चालू करके दिखाइए, फ़ोन ऑन है कि डेड हो गया? चालू करिए, यहाँ पे देखिए। तो ये फ़ोन आप देख सकते हैं फ्रेंड, चालू हो चुका है, बहुत इजी तरीके से हमारा फ़ोन चालू हो चुका है। इससे पहले कभी भी आप सीपीयू लेवल पे काम करते थे? सीपीयू नहीं सर, मैंने पावर आईसी भी चेंज नहीं करी आज तक। पावर आईसी भी चेंज नहीं की? कैसा, कहाँ सीखा आपने ये चीज़? यहीं पे, ओनली 4 डेज़। 4 डेज़ में आपने सीपीयू डन कर दिया? अगर ये आपको एंड्रॉयड दे दिया तो एंड्रॉयड का कर लेंगे आप? यस सर, कोई भी सीपीयू कुछ। तो क्या कहना चाहेंगे अगर वीपी से जो आपको देख रहे हैं? सर मतलब कोई भी किसी को भी यहाँ पे आना हो बेझिझक आ सकता है। आपने जो सोच के आया था यहाँ पे ऐसे टेलीकॉम में, क्या एक्चुअल में आपको मिला कि नहीं मिला? सर जो सोच के आया था उससे और ज़्यादा बेहतर मिला यहाँ। तो अभी आपको कैसा लग रहा है 4 दिन में? सर आई एम वेरी हैप्पी। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? नसीम सर। नसीम, नसीम कहाँ से? हैदराबाद से? आंध्र प्रदेश सर, विजयवाड़ा। हैदराबाद से। आपकी एज क्या है ये बताओ? 18 सर। 18 सर। आज क्या करा आपने? सीपीयू रिबॉइलिंग सर। सीपीयू रिबॉइलिंग, कौन सा सीपीयू है? जियो का सर, 4G। जियो का 4G, 4G सीपीयू। उसको रिबॉइलिंग किया और क्या किया आपने? रिबॉइलिंग किया, फिर बिठाया। हाँ, वो चालू हो गया। ये यहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि 4 दिन में कोई सीपीयू लगा के चालू कर सकता है, तो क्या बोलोगे उसके लिए? कोई प्रूफ है आपके पास? यस सर, मेरे पास प्रूफ है, बताओ इनको प्रूफ। ये पब्लिक को प्रूफ भी दे दिया आपने? यस सर। क्या बोलना चाहोगे आप? अगर हैदराबाद से कोई बच्चा आता है आंध्र प्रदेश हैदराबाद से, तो बेफिक्र आ सकता सर? तो हैदराबाद नहीं जाते हुए एमपी आना चाहिए कि हैदराबाद में पढ़ना चाहिए? समझ में नहीं। हैदराबाद में पढ़ना चाहिए कि एशिया टेलीकॉम में आना चाहिए? एशिया टेलीकॉम में आना सर। एशिया टेलीकॉम में आना? यस सर। यहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते? बेबी स्टेप सर। बेबी स्टेप? यस सर। बेबी स्टेप में चालू हो जाता है मोबाइल? यस सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक कहाँ रहते हो आप? सर लखीमपुर। लखीमपुर। इसके पहले क्या करते थे आप? सर मोबाइल की शॉप थी। पहले दिन आपने क्या किया आके यहाँ पर?
पावर आईसी को निकाल के लगाया आपने चालू किया था हैंडसेट? जी हाँ सर। पहले दिन ईएमसी को रिवॉल्व किया था आपने? जी हाँ सर। सेकंड डे आपने सीपीयू को रिवॉल्व किया था? जी। किससे, कौन से एक्सटेंशन से किया था आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से। जी सर। और थर्ड डे आपने क्या किया, पावर आईसी लगा के हैंडसेट चालू किया था? जी हाँ सर। आज क्या क्या किया आपने? आज सर सीपीयू, इसका सीपीयू निकाल के, इसका 4G सीपीयू इसमें? जी हाँ सर। 4G सीपीयू को, एक्सटेंशन कौन सी थी? जी सर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जी सर। लगा के चालू किया? जी हाँ सर। जनता विश्वास नहीं कर रही, आप बताओ सर चालू किया सर बताओ। देख सकते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप सर? हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, 28 अगस्त 2021 के, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संतोष कुमार। संतोष कुमार नाम है आपका जी। कहाँ से हो आप? बांदा, यूपी। यूपी से जी। यूपी से क्या करते थे संतोष इसके पहले आप? सर मैं 10 साल से पहले दुकान थी मेरी मोबाइल का, 10 साल से काम कर रहे थे आप, तो आईसी लेवल पे कोई काम नहीं कर पा, आईसी लेवल पे कोई काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया जी। तो जो आईसी लेवल पे काम नहीं कर पा रहे थे, आज आपका कौन सा दिन है यहाँ पर? आज चौथा दिन है। चौथा दिन है और आपके हाथ में 4G सीपीयू को इंस्टॉल, माउंट और रिमाउंट करने की हमारी क्लास है जी सर। तो आपने वो काम किया है आप? यस कर दिया सर। कर दिया, डन कर दिया। यस थोड़ा बताओ। देखिए सर, हाँ देखिए, जैसे आप देख सकते हैं इनका डिस्प्ले का पत्ता कटा हुआ है, सेट इनका पूरा ऑन हो गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। अच्छा लग रहा है जी सर। अगर कोई स्टूडेंट नहीं किया हो, आप आज कर रहा हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? बहुत बहुत थैंक यू, जो सर है हमारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो भी आना चाहता है वो नीचे आ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ 28 अगस्त की बैच के एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सलमान सर। सलमान कहाँ से हो सलमान आप? मैं एमपी से हूँ सर, जिले सर। एमपी सिवनी से हो जी। सलमान कितने टाइम से आप काम कर रहे थे? मेरे को तो आज 10 से 12 साल हो गए सर। 10 से 12 साल हो गए। आईसी लेवल पे काम कर रहे थे क्या? थोड़ा बहुत सर, तुक्केबाजी से। तुक्केबाजी वाला काम हो रहा था? हाँ सर, सब यूट्यूब से देख। तो आपकी जो आज मतलब कितने, कौन सा दिन है आपकी क्लास को? आज चौथा दिन है सर। आज चौथा दिन है जी। चार दिनों में आपने क्या क्या किया सर? चार दिनों में पहले दिन क्या क्या आपने, जो आपकी हार्डवेयर की क्लास है, हार्डवेयर का जहाँ प्रैक्टिकल होता है आपका, सवेरे की क्लास होती है 8 से 12 की? 8 से 12 की क्लास में सर प्रैक्टिस किए थे EMMC। पहले आपने पहले दिन EMMC को रिकॉल किया, सेकंड डे क्या किया आपने? सेकंड डे पावर सप्लाई रिबोलिंग किए। 4G सीपीओ को आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिबोल किया, ठीक है? यस सर। और थर्ड डे क्या किया आपने? थर्ड डे पावर सप्लाई लगाए सर। पावर आईसी लगाई जी सर? पावर आईसी लगाए सर, लाइव हैंडसेट जी। ठीक है, और आज क्या किया आपने? आज MI में 4A 5A में लगाए सर, लाइव CPU लगाए सर क्वालकॉम का। अच्छा, तो चालू हुआ आपका? जी सर, सेकंड टाइम में ही चालू हो गया सर। ठीक है, बताएंगे आप? जी सर। और 2 बार लगाए सर। अच्छा, 2 बार लगाए जी सर। ठीक है, कोई मजाक तो नहीं हो रहा ना? नहीं, 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 नहीं। है ना ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोग फेक समझेंगे भाई। जैसा देख के आया था सर, एकदम वैसे ही मिला सर यहाँ पे। क्या बोलना चाहेंगे सिवनी से, अगर कोई आना चाहे तो? बिल्कुल आ सकता है सर, अगर डीप नॉलेज चाहिए तो बिल्कुल आए सर। 28 अगस्त 2021 की बेच के एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, क्या नाम है? बापी रोहित सर। बापी कहाँ से हो आप? झारखंड से सर। झारखंड? झारखंड से। बापी झारखंड से इतनी दूर आप एशिया टेलीकॉम में आए हैं, कुछ होप लेके आए होंगे, तो वो आपकी पूरी होती दिख रही कि नहीं? एकदम सर हो रही है। आज चौथा दिन है, चौथे दिन में आपने क्या किया है? आज स्काई की क्लास की आपकी? आज की सर। आज क्लास आई थी आपकी? आज सर रिवॉल्विंग किए सर ऑन सेट में CPU के। ये और तो कौन सा 3G CPU लगा रहे हैं? 4G सर। 4G लगा। 4G CPU को कैसे एक्सटेंशन से, कौन से एक्सटेंशन से रिवॉल्व किया आपने? सर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से क्या कोई प्रॉपर एक्सटेंशन दी थी आपको? नहीं सर। अरे
प्रॉपर असिस्टेंस के लिए आपने यूनिवर्सल से किया है ना, जो 250 रुपीज़ की आती है आपने उससे किया। हाँ सर ठीक है, उससे करने के बाद आपने काम डन कर दिया? एकदम सर डन कर दिया। बताइए आप आपका नाम क्या है? देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैंडसेट चालू हो गया। पापी कैसा लग रहा है आपको ये सब काम करके? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैंने सोचा भी नहीं था मैं कर पाऊँगा बोल के, तो मैंने एक बार ये अपनी टीम में लिए, एक बार रिस्क लिए, देखते हैं एक बार जाके कि क्या होते हैं, सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन सर आके देखे कि सर हो रहा है। चार दिन के बाद करूँ तो अब चार दिन के बाद आपको कैसा लग रहा है, आप सीख पाएंगे? एकदम सर, हमको तो लग रहा है कि बहुत ईजी है सर, पहले नहीं सोचा था कि ICU लगाना रिमूव करना बहुत मतलब बहुत हार्ड है, लेकिन आने के बाद सर लगा इतना ईजी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ सर। अगर कोई भाभी अगर वहाँ से झारखंड से आना चाहे तो क्या? एकदम सर आ सकता है, उसको एकदम मतलब हार्ड लेवल पे काम करना है तो एशिया टेलीकॉम बेस्ट है। भाभी पर बाकी लोग जो व्यूअर देखते हैं, जो कमेंट्स देखते हैं, तो उनको क्या मजाक लगता है कि भाई चार दिन हो गए, चार दिन में पहले दिन आपने MMC IC को रिवॉल करवा दिया पहले दिन, यस सर, और सेकंड डे आपने उसको क्या किया कि 4G IC को रिवॉल्व करवा दिया है ना, और थर्ड डे आपने क्या किया कि ऑन सेट से पावर IC को निकाल के लगवा दिया, और फोर्थ डे में आपने 4G का CPU निकाल के रिवॉल्व करके वापस लगा दिया। तो लोग ऐसा मजाक समझते हैं, तो ये कोई मतलब मजाक है क्या? नहीं सर, मजाक कुछ भी नहीं है सर, सब रियल है, हमने सोचा भी नहीं था जो काम कर पाए। अच्छा ये खाली आपने बाकी आपने क्या है कि पूरी क्लास ने किया है ये बताओ? पूरी क्लास ने किया सर, पूरी क्लास ने किया, पूरी क्लास ने है ना? यस सर। किसी ने एक अटेम्प्ट में किया तो किसी ने दो अटेम्प्ट में किया है, बाकी हुआ तो सबसे है ना? एकदम हुआ है सर, सबके सर। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है 28 अगस्त 2021 के, नाम बताइए आपका? नाम अशरफ अली है। अशरफ अली, अशरफ अली कहाँ से आप? प्रयागराज। प्रयागराज UP से? यस सर। तो अशरफ जो आप होप लेके आए थे वो आपकी होप पूरी होती दिख रही थी यहाँ? यस सर। बात करें चार दिन की, आज चार दिन की क्लास हुई है, तो स्पेशली आज आपकी क्लास आई की थी? सर लाइव CPU रिमाउंटिंग की है, माउंटिंग रिमाउंटिंग की है ना? यस सर। है ना, तो आपने माउंटिंग भी किया, रिमाउंटिंग भी किया, रिजल्ट क्या निकला बताएंगे आप? ओके सर। आप देख सकते हैं व्यू का हैंडसेट इस पर 4G CPU निकाल के लगाया है, मैं वर्क डन किया। कैसा लग रहा है अशरफ ये करके? तो बहुत खुशी हो रही है। अशरफ इसके पहले आप IC लेवल पर काम करते थे? नहीं सर, हम तो कनेक्टर लेवल पे भी काम नहीं किया आज तक, एकदम प्रेशर है, आज तक कभी काम नहीं किया हार्डवेयर पे। तो ऐसा कुछ मजाक वाला काम तो नहीं हो रहा है कि मतलब कि उसको भी आपको रिव्यू? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, हाँ प्रयागराज में बहुत बड़ी मार्केट है, लोग हमें जानते भी हैं, आना जाना रहता है, ऐसा होता है तो लोगों को गुस्सा चौझूक का गलत सही का सब पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चार दिन में आपने CPU निकाल के लगा दिया है, पहले दिन आपने MMC रिवॉल किया है ना? हाँ सर। है ना, MMC रिवॉल किया, सेकंड डे आपने स्मार्टफोन की जो 4G की CPU होता है वो रिवॉल किया। यस सर। थर्ड डे आपकी शायद मेरे हिसाब से पावर आईसी के ये क्लास थी निकाल के लगाने की, और फोर्थ डे में आपने 4G CPU लगा। 4G CPU ये सब करके आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अगर कोई अगर आना चाहे प्रयागराज से तो क्या बोलेंगे? बेझिझक आ सकता है प्रयागराज टू एशिया टेलीकॉम, सबका मोस्ट वेलकम है। कुछ नया सीखने के लिए आना है तो एशिया टेलीकॉम नंबर 1 है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, बेशक यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। तो आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डेवलप कर CPU कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिवॉल्विंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? सर आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? CPU डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका CPU और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर CPU किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर CPU कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने?
यूनिवर्सल स्टेंसिल से? यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर, आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस, कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर ने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, that's first. Thank you.